पंच घृत आहुति मंत्र से पांच बार घी की आहुति अग्नि को समर्पित करेंगे। तो सबको ध्यान मुद्रा में बैठेंगे और सबको स्वाहा बोलेंगे, तो स्वाहा बोलेंगे और अपने हाथों को अग्नि की तरफ बढ़ाएंगे ताकि सबके सामूहिक रूप से ये समर्पण हो रहा हो। स्वाते ओम अयंतित मै आत्मा जात वेदस्ते निधस वर्धस्व चेद वर्धे चास्मान प्रजा पशु भी ब्रह्म वर्ष से नान्याधेन समेधया स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदस्ते इदं नमः। ओम अयंतित मै आत्मा जात वेदस्ते निधस वर्धस्व चेद वर्धे चास्मान प्रजा पशु भी ब्रह्म वर्ष से नान्याधेन समेधया स्वाहा। इदमग्ने जातवेद से इदन्न मम। जोर से बोलेंगे स्वाहा स्वाहा। ये हुआ सात्विक भाव। और घी भी डालेंगे तो पूरा भर के डालें, समझ गए? इधर से भी आप गिरा दीजिए, यदि इसको भी चम्मच दे। ओम अयंतित मै आत्मा जातवेद से निधस वर्धस्व चेद वर्धे चास्मान प्रजा पशु भी ब्रह्म वर्ष से नान्याधेन समेधया स्वाहा। इदम अग्नये जातवेद से इदन्न मम। ओम अयंतित मै आत्मा जातवेद से निधस वर्धस्व चेद वर्धे चास्मान प्रजा पशु भी ब्रह्म वर्ष से नान्याधेन समेधया स्वाहा। ओम अयंतित मै आत्मा जातवेद से निधस वर्धस्व चेद वर्धे चास्मान प्रजा पशु भी ब्रह्म वर्ष से नान्याधेन समेधया स्वाहा। इदमग्नये जातवेद से इदन्न मम। अभी हम लोग अग्नि का भोजन घी को समर्पित किया और लपटों को देख करके हमारा ध्यान अग्नि के इस विराट लालिमा पर हो। हे भगवान, हे अग्निदेव, आपकी लपटों जैसा मेरा जीवन, जैसे अग्नि में कुछ भी समर्पित करते हैं तो वो जल करके भस्म हो जाता है। क्या होता है? और भस्म शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है? भस्म एक ऐसा शब्द है कि भस्म बिल्कुल ही शुद्ध होता है, 1000% कहिए या 1,00,000% कहिए, उसमें कोई अशुद्धि। इसमें यदि सोना भी डाल दें, अंगूठी वगैरह, तो उसमें का मिलावट जल जाएगा और जो शुद्ध सोना है वो रहेगा। और सोना का भस्म भी हो सकता है, यानी वह सोना जल करके कुंदन हो जाता है। क्या होता है? कुंदन हो जाता है। कुंदन का मतलब होता है कि उसके भीतर अब कोई मिलावट नहीं रहा। यदि आपका नाम कुंदन है तो आपके अंदर ना खैनी हो, ना बीड़ी हो, ना दारू हो, ना शराब हो, ना मांस हो, ना मछली हो, ना अंडा हो, ना चोरी हो, ना बेईमानी हो, ना लूट हो, ना खसोट हो, ना चुगली हो, ऐसा भाव उस तरह का हो। नाम इसे हमारे पूर्वज नाम क्यों बढ़िया रखते हैं कि कम से कम नाम को सुनकर के भी तो कुछ आचरण करेगा। अब राम रखते हैं, कृष्ण रखते हैं, बुद्ध रखते हैं, महावीर रखते हैं, तो उसके जैसा कुछ तो जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब आजकल रखते हैं डोली मौली चौली हौली गौली ते ते पे पे ने ने को को क्या का ऐसे, इसका क्या अर्थ निकलेगा? इसलिए ऐसा नाम भी रखिए। तो पहले बहनों का भी नाम रहता था बढ़िया बढ़िया, राम दुलारी कृष्ण दुलारी है, सीता लक्ष्मी दुर्गा पार्वती रुक्मिणी क्या।